हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर और मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान। दोस्तों, आज की क्लास में हम सामाजिक अध्ययन यानी सोशल स्टडी, आपका 50 नंबर का सब्जेक्ट आता है, उसी के कुछ महत्वपूर्ण वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस को हल करने वाले हैं। दोस्तों, ज़्यादातर क्वेश्चंस आपके, ज़्यादातर नहीं, हर एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, तो बेहद ज़रूरी है आपको पूरी क्लास को लेना, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज हो जाता है, बाकी ज़्यादातर क्वेश्चन क्या होते हैं, रिपीट होते हैं आपके पेपर में। तो चलिए हम देखने वाले हैं। बाकी अगर बात करें आपके सिलेबस की सामाजिक अध्ययन के, तो उसकी भी शुरुआत हो चुकी है। कुछ क्लासेस तो मैं आपकी कॉन्सेप्ट वाइज पहले ले चुकी हूँ और कुछ अभी शुरू कर रहे हैं हम, ठीक है। साथ साथ में प्रैक्टिस और साथ में आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लासेस भी चलती रहेगी, तो यानी दोनों को पैरेलली हमको लेकर के चलना है, ठीक है। तो जैसा भी आपको सभी चीज़ें समय से कंप्लीट करा दी जाएगी, बस आपको रेगुलर रहना है और जो भी पीडीएफ्स आपको प्रोवाइड की जाती है टेलीग्राम ग्रुप में, उनको रिवाइज करते रहना है, ठीक है। और हाँ, अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिए, ऑनलाइन शिक्षण DLED टेलीग्राम ग्रुप का नाम है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको हर क्लास की PDF और नोटिफिकेशंस, क्वेश्चंस आपको मिलते रहते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। और सबसे पहले ही आपको देखने में आ गया है कि 2016 में पूछा गया प्रश्न आपके सामने एकदम है, तो यहीं से शुरुआत करेंगे और देखेंगे किस तरह के क्वेश्चन आपके सामाजिक अध्ययन विषय में पूछे जाते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के आधार पर स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आने वाली दो स्वतंत्रताओं का उल्लेख कीजिए, ठीक है। यानी जो स्वतंत्रता का अधिकार हमें दिया गया है, उसके अंतर दो स्वतंत्रता, किन्हीं भी दो स्वतंत्रता के बारे में आपको बताना है। तो चलिए बात कर लेते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि अनुच्छेद 19 से 22 तक है, ठीक है। कौन सा अधिकार है? स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक होता है और प्रत्येक नागरिक अपनी सामर्थ्य एवं योग्यता के अनुसार अपना विकास कर सके, इसके लिए स्वतंत्रता के अधिकार को संविधान में शामिल किया गया है। इस मूल अधिकार के अंतर्गत प्रत्येक भारतीय नागरिक को निम्न स्वतंत्रताएं प्रदान की जाती है, कौन कौन सी, चलिए जान लेते हैं। पहला है अनुच्छेद 19 के अंतर्गत, ठीक है। 19 से 22 तक सभी के बारे में जानेंगे, पहले 19 की बात करेंगे। अनुच्छेद 19 में कौन सी स्वतंत्रता मिली है, पहले वही जानेंगे। तो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत इस अधिकार से संबंधित निम्न 6 स्वतंत्रताएं नागरिकों को दी गई है। यानी जो ये आपसे बात की गई है अनुच्छेद 19 में, 19 इसके अंतर्गत जो है 6 अधिकार आपको दिए गए हैं, कौन कौन से, चलिए जान लेते हैं। पहला है, संविधान द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को भाषण के रूप में अपने विचार को अभिव्यक्त करने का अधिकार, ठीक है। यानी आपको बोलने की स्वतंत्रता है, आप जो चाहे बोल सकते हैं, ठीक है। आपको स्वतंत्रता दी गई है कि अपने भाषण की अभिव्यक्ति की, अपनी बातों की अभिव्यक्ति करने की, ठीक है दोस्तों। तो पहले तो आपने समझ में आ गई कि अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कौन कौन सी आपको अधिकार दिए गए हैं। पहला है आपको अपने भाषण या अपने विचारों को अभिव्यक्त या प्रकाशित करवाने का अधिकार, ठीक है, ये स्वतंत्रता है। अगले आगे बात करें, नागरिकों को शांतिपूर्ण सभा आदि करने की भी स्वतंत्रता प्रदान की गई है कि भाई शांतिपूर्ण सभा कर सकता है कोई भी कहीं भी, ठीक है। इसके बाद इसके लिए आपको कोई भी मनाही नहीं कर सकता है, कोई भी आपसे मना नहीं कर सकता है अगर आप कहीं पर शांतिपूर्वक सभा करना चाहते हैं। अगला है, प्रत्येक व्यक्ति अपने इच्छा अनुसार व्यवसाय करने के लिए स्वतंत्र है। आपको ज़बरदस्ती किसी व्यवसाय में कोई नहीं धकेल सकता है जब तक कि आपकी इच्छा ना हो, तो आप अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी व्यवसाय चुन सकते हैं। अगला कौन सा अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 19 के अंतर्गत, तो वह है, नागरिकों को मानव हितों हेतु समुदाय अथवा संघ निर्माण की स्वतंत्रता। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारी NGO बनी हुई होती है, ठीक है, कोई चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए, कोई वुमेन डेवलपमेंट के लिए, तो यहाँ वही बात की गई है कि मानव हितों के लिए आप समुदाय या किसी संघ का निर्माण भी आप कर सकते हैं, उसके लिए आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। और इससे आगे की अगर बात करें, पांचवी स्वतंत्रता कौन सी है इसके अंतर्गत, वह है, नागरिकों को
देश की सीमाओं के अंदर स्वतंत्रता पूर्वक एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करने की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की गई है। यानी आप जहाँ चाहे वहाँ पर घूम सकते हैं, ठीक है, कहीं भी आप जा सकते हैं, आ सकते हैं, अपनी स्वतंत्रता आपके पास है, कोई आपको उसके लिए मनाही नहीं कर सकता है। और गाइस, जो हमने पांचवा पॉइंट देखा, पांचवा अधिकार देखा कि कहीं भी जाकर के स्वतंत्रता पूर्वक आप घूम सकते हैं, बस सकते हैं, लेकिन इसके लिए अभी तक एक अपवाद होता था जिसका नाम है राज्य का जम्मू कश्मीर। वहाँ पर कोई भी अपनी मर्जी से जा कर के नहीं रह सकता था, लेकिन जब से अनुच्छेद 370 लगा है, ठीक है, धारा 370 लगी है, तो उसके बाद से क्या हुआ है कि उसके बाद से जो है वहाँ पर भी आप जा कर के रह सकते हैं, ज़मीन खरीद सकते हैं, सभी चीज़ें। तो जब से अनुच्छेद 370 को हटाया गया है तो तब से यहाँ पर भी आप जा सकते हैं। तो ये पांच तो हमने बात कर ली, लेकिन छठी कौन सी है? इन्होंने तो पांच का ही जिक्र यहाँ पर किया है, ठीक है, तो हम और जानते हैं इसके बारे में। छठी क्या हो सकती है दोस्तों? छठी है संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। और सातवीं क्या है? कोई भी व्यापार और जीविका चलाने की आपके लिए स्वतंत्रता होती है, कहीं भी आप कोई भी व्यापार कर सकते हैं। ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई, ठीक है, तो आपने समझ में आ गया कि अनुच्छेद 19 में कौन कौन से आपको अधिकार दिए गए हैं, ठीक है। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आपको स्वतंत्रता के अधिकार दिए गए हैं, जिनकी संख्या 7 है। और बाद में क्या किया गया, जो ये 7 अधिकार आपके थे, इनमें से जो संपत्ति का अधिकार है, जो कि यहाँ पर नहीं दिया गया है, वो इसीलिए नहीं दिया गया है कि संपत्ति के अधिकार को हटा करके, ठीक है, ये इससे हटा दिया गया और कानूनी अधिकारों में रख दिया गया, ना कि स्वतंत्रता के अधिकार में। तो संपत्ति का जो अधिकार है उसको हटा दिया गया था 44वें संविधान संशोधन के तहत। तो आपने समझ में आ गया कि स्वतंत्रता के अधिकार अंतर्गत आने वाली दो स्वतंत्रताओं को आपको बताना था। हमने बात कर ली है 6 की, 6 होती है, आपने कोई भी 2 नोट डाउन कर लेनी है, आपके एग्जाम में पूछी जाएगी। तो ठीक है, इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई, आई थिंक आपको इसके बारे में फुल टू नॉलेज अब मिल गई होगी। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। क्या है भूस्खलन से क्या तात्पर्य है, यानी भूस्खलन से आप क्या समझते हैं? भूपृष्ठ पर शैलों के अपक्षय से प्राप्त पदार्थ गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ढाल की दिशा में खिसकना शुरू कर देते हैं। तीव्र एवं खड़े ढालों का अपक्षय पदार्थों के आकस्मिक रूप से खिसकने की प्रक्रिया को भूस्खलन या फिर लैंडस्लाइडिंग कहते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों, जैसे कि ये ज़मीन होती है, ठीक है, तो ये हो जाता है कि जो इसकी परतें होती है और वो अचानक क्या हो जाती है, खिसक जाती है, अपनी जगह से खिसक जाती है और वहाँ बड़ी बड़ी दरारें आ जाती है, ठीक है, तो उन्हें क्या कहते हैं? भूस्खलन कहते हैं, यानी लैंडस्लाइडिंग कहते हैं, क्योंकि जो ज़मीन के अंदर सैल होती है वो अपनी जगह से हट जाती है, तो उसके कारण से भूस्खलन की प्रक्रिया होती है। इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चले। भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति या कमांडर कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति होता है। 2016 में पूछा गया प्रश्न है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सर्वोच्च सेनापति कौन होता है भारतीय सेना का? तो राष्ट्रपति होता है। और अभी आपके राष्ट्रपति कौन है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। भारत के राष्ट्रपति हाल ही में कौन है? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, जब सूर्य तथा चंद्रमा के बीच पृथ्वी आती है तब कौन सा ग्रहण पड़ता है? यानी आपसे पूछ लिया गया है कि जब सन और मून के बीच में क्या आती है, अर्थ आ जाती है, ठीक है, अर्थ आ जाती है, तो कौन सा ग्रहण होता है? दोस्तों, जब चंद्रमा स्वयं प्रकाशहीन है, ठीक है, और यह सूर्य का प्रकाश पड़ने से चमकने लगता है, लेकिन जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के मध्य में आ जाती है तो चंद्रमा पृथ्वी की छाया में आ जाता है, यानी उसकी ओट में आ जाता है, तो जिसके कारण सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर नहीं पड़ता है और चंद्रमा दिखाई ही नहीं देता है, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हम चंद्र ग्रहण। और यह केवल पूर्णमासी के दिन या पूर्णिमा के दिन होता है। जब चंद्रमा पृथ्वी की उपछाया से गुजरता है तो इसके कुछ भाग पर सूर्य का प्रकाश पड़ने लगता है, यानी जब वो ख़त्म होने लगता है ग्रहण, तो उसके कुछ भाग पर सूर्य का प्रकाश पड़ने लगता है और चंद्रमा का कुछ भाग दिखाई देने लगता है। इस खंड चंद्र ग्रहण, इसे क्या कहते हैं? खंड चंद्र ग्रहण, यानी
उसका कुछ हिस्सा जब चमकता है तो उसको हम क्या कहेंगे, खंड चंद्र ग्रहण। और पूर्ण चंद्र ग्रहण में क्या होगा कि बिल्कुल भी चंद्रमा नहीं दिखाई देता है। तो आपको समझ में आ गई को क्या सिचुएशन होती है चंद्र ग्रहण की, कि पृथ्वी बीच में आ जाती है, ठीक है, पृथ्वी बीच में आ जाती है किसके, सन और मून के, ठीक है, सन और मून के बीच में क्या आ जाती है, अर्थ आ जाती है। तो उससे क्या होता है, मून के ऊपर जो है सन की डायरेक्ट सनलाइट नहीं जाती है जिसके कारण वह नहीं चमकता है, उस पर अंधेरा हो जाता है। तो ये किस दिन होता है, पूर्णिमा, पूर्णिमा वाली रात को। अब अगला क्वेश्चन आपके लिए है, भारत चीन का युद्ध कब हुआ था। दोस्तों भारत चीन का युद्ध कब हुआ था जानना बेहद ज़रूरी है, अभी भी गर्मा गर्मी है, लेकिन हमसे पहला पूछा गया है कब हुआ था, तो ये सन 1962 में हुआ था भारत और चीन के बीच में युद्ध। अगला क्वेश्चन है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, जनरल नॉलेज के लिए भी और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। भारत उत्तर पूर्वी या उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, आप उत्तर पूर्वी भी लिख सकते हैं, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। जैसे गोलार्ध किसे कहते हैं, ये तो पूरा ग्लोब हो गया, लेकिन जब हम इसको आधे आधे हिस्से में बांट देंगे तो ये आधा ऊपर का हिस्सा क्या हो जाएगा, उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध। तो यहाँ पर जब हम इसको ऐसे डायरेक्शंस में कन्वर्ट करेंगे तो इस हिस्से में यहाँ पर भारत स्थित है, ठीक है। तो ये कौन सी दिशा पड़ती है, ये है उत्तर पूर्वी, ठीक है, उत्तर और पूर्वी। तो उत्तर पूर्वी दिशा जब ये पड़ती है तो भारत की स्थिति क्या आ गई है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है भारत। समझ में आ गया आपको। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, चंदेलो के दो प्रसिद्ध नगरों के नाम बताइए। तो चलिए इनमें से आपको जो याद रहे आप वो लिख देना, 2017 में पूछा गया प्रश्न है तो इम्पोर्टेंट तो है ही। बुंदेलखंड, खुजराहो, महोबा, अजयगढ़, ठीक है, बुंदेलखंड, खुजराहो, महोबा, अजयगढ़, ये है चंदेलो के प्रसिद्ध नगरों के नाम। इनमें से जो आपको याद रहे और एग्जाम में पूछा जाए तो आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अब दोस्तों यहाँ से ना 2017 के प्रश्न आएंगे आपके सभी, इससे पहले हमने 2016 के देख लिया, 2017 में आए हुए प्रश्न जो है वो आपके सामने आएंगे। राजपूत काल के चार प्रमुख कवियों के नाम बताइए। तो चलिए बता देते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर है, राजपूत काल के चार प्रमुख कवि के नाम आपसे पूछे गए हैं। तो कौन कौन से है, पृथ्वीराज रासो, हलायुद्ध और न्यायचंद्र सूरी और पद्मगुप्त, ठीक है, ये आपके जो है प्रमुख कवियों के नाम है राजपूत काल के। पृथ्वीराज रासो, हलायुद्ध और न्यायचंद्र सूरी और पद्मगुप्त, ठीक है, याद रहेगा आपको। अगला क्वेश्चन है बहुत अच्छा, भोज प्रबंध किसकी रचना है, ये एक जो है रचना है पूछा गया है किसकी है, तो वल्लाल, ठीक है, वल्लाल की रचना है। अगला क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता कौन है। दोस्तों आपसे इस तरह के क्वेश्चन देखना 2017 में ही दो आपके एक जैसे क्वेश्चन बन गए रचयिता पूछने वाले कि ये किसने लिखा, ठीक है, इसके रचयिता कौन है, इस तरीके के दो क्वेश्चन आपको एक ही पेपर में देखने को मिल गए। तो इसका मतलब ऐसे क्वेश्चन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपको बहुत ध्यान इन पर देना होगा आपके सिलेबस पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता कौन है। लीजिए यहाँ पर एक और आपका क्वेश्चन ऐसा ही आपको देखने को मिल गया और 2017 का ही क्वेश्चन है, तो आप देख लीजिए अब कितना ज़रूरी है आपके लिए जानना। आपके एक क्लास मैं इसी के रख लूँगी कि जिसमें हम रचयिता याद करेंगे किसने क्या चीज़ या किसकी रचना की, ठीक है। तो प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता कौन है, हरिशयन, कौन है, हरिशयन। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है, मौर्य वंश के संस्थापक कौन था। बहुत अच्छे से आपको मौर्य वंश के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया है, आई होप आपने उस क्लास को लिया होगा, मिस नहीं किया होगा, क्योंकि बहुत अच्छे से मैंने आपको उसमें सब चीज़ें एक्सप्लेन की है। मौर्य वंश के संस्थापक कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य। और अगला क्वेश्चन आ जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने शासनकाल में किन दो मस्जिदों का निर्माण करवाया। तो दोस्तों एक तो बहुत ज़्यादा फेमस है जो आपसे हर बार एग्जाम में पूछा जाता है कि अढ़ाई दिन का झोपड़ा, ये मस्जिद है, ठीक है, आपको समझना होगा ये कोई झोपड़ी नहीं है, नाम इसका इस तरीके का है कि अढ़ाई दिन का झोपड़ा, आप इसको झोपड़ी मत समझ लेना, ये मस्जिद है, ठीक है, मस्जिद का नाम है ये। और किसने बनवाई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है दोस्तों। और कहाँ स्थित है, अजमेर में स्थित है। आपसे टेलीग्राम ग्रुप में मैंने क्वेश्चन पूछा था यही वाला कि अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है, तो बहुत सारे लोगों ने गलत आंसर दिया था, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है सही आंसर दे करके आए थे, बहुत सारे बच्चों ने बहुत सही आंसर किया था, लेकिन कुछ थे जिन्होंने वहाँ पर उसकी जगह पर
अलग आंसर दिया था, किसी ने दिल्ली दिया था और किसी ने दिया था पाकिस्तान का कोई नाम मैंने वहाँ पर लिखा हुआ था, तो वो नाम ज़्यादा दिया गया था आप लोगों ने। तो आप ध्यान रखिएगा कहाँ स्थित है, अजमेर में, 2.5 दिन का झोपड़ा, किसने बनवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक, और क्या है ये एक मस्जिद है, ठीक है। और दूसरी क्या है, कुबुत उल इस्लाम, ठीक है, कुबुत उल इस्लाम, ये दूसरी मस्जिद का नाम है। अब आपको क्लियर हो गया होगा आई होप। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, सुल्तान काल में राज्य का सर्वोच्च अधिकारी या पद अधिकारी कौन होता था, यानी जो सबसे ऊंचे पद पर होता था सुल्तान काल में या सल्तनत काल में, सॉरी सल्तनत काल में बात की गई है, तो उसका नाम था सुल्तान, सल्तनत सुल्तान। आपको तो ये इसी से याद हो जाएगा कि सल्तनत से मिलता जुलता नाम है, सल्तनत से सुल्तान, ठीक है, चीज़ें क्लियर हो गई। सल्तनत से क्या बना, सुल्तान बन गया, ठीक है, अब तो आप नहीं भूलेंगे इसको। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्या है कि हिम नदियों के अपरदन से वी आकार की घाटी किस आकार में बदल जाती है, कि जब हिम नदियों में अपरदन होता है तो वी आकार की घाटियां जो है वो किस आकार में बदल जाती है, तो वे यू के आकार में बदल जाती है। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है, वी से यू के आकार में बदल जाती है जो हिम नदी होती है अपरदन के बाद, ठीक है, समझ में आ गई आपको। अगला क्वेश्चन है, वाष्पीकरण से आप क्या समझते हैं, इवेपोरेशन से आप क्या समझते हैं, चलिए बता दीजिए। क्या होता है दोस्तों कि जब हम किसी भी द्रव पदार्थ को बहुत अधिक मात्रा में गर्म करते हैं तो उससे क्या होता है, भाप बनकर वो चीज़ उड़ने लगती है या वो तरल पदार्थ हवा में उड़ने लगता है, ठीक है, तो उसे ही हम वाष्पीकरण कहते हैं। चलिए इनकी लैंग्वेज में भी देख लेते हैं, किसी तत्व या यौगिक का द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन वाष्पीकरण कहलाता है, ठीक है, द्रव पदार्थ से या द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तन, ठीक है, द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तन क्या कहलाता है, वाष्पीकरण कहलाता है। जैसे पानी का भाप बनकर उड़ जाना क्या कहलाता है, वाष्पीकरण कहलाता है। समझ आ गई ना ये चीज़ें, कैसी लग रही है क्लास, बताइए आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मूल अधिकार किस पर बल देते हैं, मूल अधिकार सभी नागरिकों की जो बुनियादी मानव अधिकार के रूप में परिभाषित किया गया है तो उन्हें ही हम क्या कहते हैं, मूल अधिकार कहते हैं। इनको आप मौलिक अधिकारों के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, मूल अधिकार को मौलिक अधिकारों के नाम से भी आप लोग जानते हैं। और ये इनकी संख्या कितनी है, 6 मूल अधिकार होते हैं, कौन कौन से, समानता का अधिकार, ठीक है, जो अनुच्छेद 14 से 18 में है संविधान के, और दूसरा होता है स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक है। तीसरा होता है शोषण के विरुद्ध अधिकार जो कि अनुच्छेद 23 से 24 तक होता है। और चौथा होता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो कि 25 से 28 होता है। और पांचवा होता है संस्कृति और शिक्षा से संबंधित अधिकार। और छठा हो जाता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और दोस्तों अगर आपको बता दिया जाए कि पहले ना इनकी संख्या 7 हुआ करती थी, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि पहले इनकी संख्या 7 हुआ करती थी, और 7वां कौन सा था, संपत्ति का अधिकार, ये पहले मौलिक अधिकार में आता था, लेकिन इसको मौलिक अधिकार से हटाकर अब कहीं में रखा गया है, कानूनी अधिकार में रखा गया है। और कब हटाया गया, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में। आप इस बात को याद रखिएगा, पूछ ली जा सकती है, ठीक है। और एक चीज़ और आपको मैं बताऊँगी कि जैसे अभी आपकी सामाजिक अध्ययन की क्लास मैंने आपसे टेलीग्राम ग्रुप में शेयर की थी, उनको मैं पहले ले चुकी हूँ हालांकि मैंने, लेकिन आपको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर की थी वो क्लास, जिसने नहीं ली थी वो ज़रूर ले लीजिएगा। उसमें मैंने आपको संविधान के विकास के बारे में बताया कि कैसे कैसे संविधान का विकास हुआ, संविधान शब्द किस शब्द से लिया गया, सब चीज़ें मैंने उसमें आपके लिए एक्सप्लेन कर रखी है। और ये भी बताया है कि कौन सा आप कह सकते हैं संविधान के स्रोत कौन कौन से हैं, यानी कहाँ से संविधान को लिया गया है, कौन से देश से क्या लिया गया है। तो जब हम मूल अधिकारों की बात कर ही रहे हैं तो इसके बारे में ये भी जान लेते हैं कि मूल अधिकार कौन से देश से लिए गए, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन बनेगा ना कि मूल अधिकार कौन से देश से लिए गए। तो यह है संयुक्त राज्य अमेरिका या संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से ही मूल अधिकारों को लिया गया था। अब आपको आई थिंक मूल अधिकार के बारे में तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, बिल्कुल सब चीज़ें हमने इसके बारे में जान ली है। अगला क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्थाओं का वर्गीकरण प्रमुख रूप से किन दो आधारों पर करते हैं, तो वह हम कर लेते हैं एक तो श्रम के आधार पर और दूसरा पूंजी के आधार पर, ठीक है, श्रम और पूंजी के आधार पर। अगला क्वेश्चन है बहुत अच्छा, उत्पादन बताइए, उत्पादन क्या है, प्रोडक्शन क्या है,
उत्पादन क्या है ये आपसे पूछा गया है और क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, तो आप समझ लीजिए बहुत महत्वपूर्ण है। उत्पादन क्या होता है, अर्थशास्त्र में उत्पादन औद्योगिक प्रतिष्ठानों द्वारा वस्तुओं, सामानों या सेवाओं को निर्मित करने की प्रक्रिया को कहते हैं। यानी किसी भी सामान वस्तु का निर्माण करना या उसको निर्मित करने की जो प्रक्रिया होती है उसको ही क्या कहते हैं, प्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, किसी भी आप कह सकते हैं वस्तु का को प्रोड्यूस करना उसे ही प्रोडक्शन कहते हैं, उत्पादन कहते हैं वस्तुओं और सामान या सेवाओं को निर्मित करने की प्रक्रिया को। आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन 2017 में ही आया हुआ, उसके बाद 2018 के आपके क्वेश्चन आने शुरू होंगे। भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो मैंने आपको भी बताया था उसकी पूरा मैप बना करके, तो भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब अगर ये क्वेश्चन आपने छोड़ा तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होगी, क्योंकि दो बार रिपीट हो चुका है आज की क्लास में। तो कौन से गोलार्ध में स्थित है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। अगला क्वेश्चन है, मेगस्थनीज द्वारा रचित पुस्तक का नाम लिखिए, तो दोस्तों मेगस्थनीज ने लिखी थी इंडिका, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, आपको याद होना चाहिए हमेशा के लिए, 2018 में आया हुआ प्रश्न है, रिपीट होने के चांस बहुत ज़्यादा है क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था, तो चलिए बता दीजिए हम, तो मैंने आपको इसके लिए ट्रिक प्रोवाइड कर रखी है, अब आपको ट्रिक उसको रिवाइज कीजिए, क्या ट्रिक मैंने आपको बताई थी उसको देखते हुए आंसर कीजिए, क्या आपको वो रिमाइंड करने पर याद आती है चीज़ें, आपने देखी थी वो ट्रिक, उसको नोट भी करना था आपको, ताकि आपको हमेशा के लिए वो चीज़ें याद रहे। एक बार आपको देख करके उसको नोट डाउन कर लेना था ट्रिक को, तो आपको चारों की चारों बौद्ध संगतियाँ बहुत आसानी से याद हो जाती। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया किसके शासनकाल में, तो अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, खुजराहो का मंदिर का निर्माण किन राजाओं के द्वारा कराया गया, तो चंदेल राजाओं ने करवाया था खुजराहो के मंदिर का निर्माण। क्लियर हो गया है आपको। अब अगला क्वेश्चन है, राजपूतकालीन प्रसिद्ध शिक्षा केंद्रों के नाम बताइए, कोई भी, ठीक है, कोई भी आपको नाम बताना है जो राजपूतकालीन प्रसिद्ध शिक्षा का केंद्र हुआ करते थे, तो काशी और कन्नौज। ठीक है, काशी और कन्नौज। अगला क्वेश्चन है, और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, महमूद गजनवी ने भारत के प्रसिद्ध मंदिर पर 17 बार आक्रमण किए, तो उस मंदिर का नाम आपको बताना है जिस पर महमूद गजनवी ने 17 बार आक्रमण किए, तो दोस्तों वह मंदिर है सोमनाथ का मंदिर। अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि सोमनाथ का मंदिर कहाँ स्थित है, तो चलिए बता दीजिए जल्दी जल्दी, और ये कहाँ स्थित है आपसे मैंने अभी पूछा, तो दोस्तों अगर आपको नहीं पता है मैं आपको बताना चाहूँगी कि गुजरात में स्थित है। ठीक है, गुजरात में स्थित है सोमनाथ का सूर्य मंदिर। ठीक है, और इसको एक नाम से और जाना जाता है, कौन से नाम से, सूर्य मंदिर के नाम से। ठीक है, सूर्य मंदिर के नाम से भी इसको जाना जाता है, कहाँ स्थित है, गुजरात में स्थित है, और 17 बार इस पर महमूद गजनवी ने जो है आक्रमण किया था, इसको लूटने की कोशिश की थी, यहाँ से जितने भी जो कह सकते हैं कीमती वस्तुएं थी या मूर्तियां थी उन सभी को उठा करके ले गए थे। आगे बात की जाती है, सल्तनत कालीन राज्य की आय के दो साधन लिखिए, कौन कौन से हुआ करते थे, तो पहला है कृषि से आय। ठीक है, कृषि से जो आय होती थी वह, और दूसरा व्यापारियों पर टैक्स। ठीक है, कृषि से आय और व्यापारियों से टैक्स, ये दोनों मुख्य साधन हुआ करते थे सल्तनत कालीन जो है राज्य के समय पर। अगला क्वेश्चन है, परतदार शैल के दो उदाहरण बताइए कि परतदार शैल को जो है वो कौन सी होती है, एक तो इन्होंने बता दिया अवसादी चट्टाने और दूसरा दिया इन्होंने छोड़, तो हम आपको बताएंगे इन्होंने छोड़ा है, अवसादी चट्टाने तो इन्होंने बता दिया है, और अग्नि चट्टाने जो होती है वह भी परतदार शैल का उदाहरण है। ठीक है, आप कर पाएंगे, अब तो दोनों आपको पता चल गया, अवसादी और अग्नि। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो दोस्तों नील नदी सबसे बड़ी नदी है, विश्व की नील नदी, 2018 में आया हुआ प्रश्न है, बहुत अच्छा है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, क्या पूछा गया है, पृथ्वी की आंतरिक संरचनाएं या आंतरिक क्रियाएं कौन कौन सी होती है, जो पृथ्वी के अंदर घटित होती है वो आंतरिक क्रियाएं कौन सी है, तो वह है भूकंप। ठीक है, कौन सी है, भूकंप। अगला क्वेश्चन है, सूर्यताप किसे कहते हैं, सूर्य से आने वाली ऊष्मा जो वातावरण द्वारा सोख ली जाती है उसे क्या कहते हैं, सूर्य तप कहते हैं, और इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस आप यहाँ देख सकते हैं 2016, 2017 और 2018,
तीनों साल लगातार ये क्वेश्चन पूछा गया है। आप इसको नोट कर लीजिएगा और आपको एक चीज़ यहाँ पर समझ आ गई होगी कि किस तरीके से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ठीक है। किस तरीके से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो पूरे पूरे चांस होते हैं दोस्तों रिपीट होने के क्वेश्चन, ठीक है। और यहाँ तो लगातार हो गया है, ये तो बहुत हैरत की बात है। वरना क्या होता है कि एक ईयर छोड़ के नेक्स्ट ईयर जो है रिपीट होता है क्वेश्चन, ऐसा देखने को मिला है बहुत बार। तो एक बार और देखते हैं इस क्वेश्चन को ताकि मिस ना हो। सूर्य तप किसे कहते हैं? तो सूर्य से आने वाली जो ऊष्मा होती है और वातावरण द्वारा उसको सोख लिया जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? सूर्य तप कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, ज्वार भाटा से आप क्या समझते हैं? ज्वार भाटा वह विशिष्ट क्रिया मानी जाती है जिसमें सूर्य चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के प्रभाव से प्रतिदिन नियमित रूप से समुद्र तल ऊपर उठता है और नीचे गिरता है। ऊपर उठने को ज्वार और नीचे गिरने को भाटा कहते हैं। क्या आपको ये समझ में आया कि यहाँ पर बात क्या की गई है? नहीं आया ना, कोई बात नहीं, मैं आपको बताऊँगी। देखिए फ्रेंड्स, एक सिचुएशन होती है कि मान लिया यहाँ दिन का समय है, सूर्य, ठीक है, यहाँ ये सॉरी चांद बन गया है, तो ये सूर्य है, ठीक है। यहाँ पर एक सेकंड आपको मैं ऐसे एक्सप्लेन करूँगी। यहाँ पर ये मान लीजिए आप कि यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर ये सूर्य है, ठीक है, और इधर है चंद्रमा। आपको ये समझना है कि दिन का समय है और ये है रात का समय। तो यहाँ पर है समुद्र तल, ठीक है, ये समुद्र है यहाँ पर। तो जो सूर्य होता है उससे क्या निकलती है? गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा निकलती है, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा निकलती है। तो गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा के कारण क्या होता है, जो समुद्र का जल होता है वो ऊपर उठता है, ऐसे ऊपर उठता है बार बार, ठीक है। तो जो ये ऊपर उठ रहा है, इस सिचुएशन को तो हम कहेंगे ज्वार। ऊपर जब समुद्र का जल उठता है इसको हम ज्वार कहेंगे, और जब ये नीचे गिरता है ऐसे, जब ये ऐसे नीचे गिरता है, तो ये जब नीचे गिर रहा है इस सिचुएशन को कहेंगे हम भाटा, ठीक है, इसको कहेंगे हम भाटा, और ऊपर उठने को क्या कहेंगे? ज्वार कहेंगे। लेकिन अगर देखा जाए, एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगी, आपको ज्वार भाटा तो अब समझ में आ गया होगा, लेकिन एक चीज़ और यहाँ पर आपको समझने लायक है, वो ये है कि जो है चांद के समय, मतलब रात के समय या दिन के समय, इनमें से किस समय ज़्यादा ज्वार आता है या फिर ज़्यादा ऊपर तक पानी उठता है, तो वो आपको बताना है दोस्तों। चंद्रमा जब होता है यानी रात का समय होता है, तो तब क्या होता है, जो समुद्र का जल होता है वो ज़्यादा ऊपर उठता है। वो क्यों, उसका क्या पीछे कारण है? आपको लगता होगा कि भाई सूर्य जो है वो बड़ा है और ज़्यादा ऊर्जा है सूर्य के पास, तो फिर दिन में होना चाहिए ऐसा, तो लेकिन फिर रात में क्यों होता है? चंद्रमा के समय पर क्यों ज़्यादा ऊपर जाता है ये पानी, क्यों ज्वार ज़्यादा ऊपर के लिए उठता है, ऐसा क्यों? क्योंकि चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के नज़दीक है, ठीक है। तो जो नज़दीक होगा उसका असर ज़्यादा होगा या दूर वाले का? नज़दीक वाले का। तो इसीलिए चंद्रमा के समय यानी इस रात के समय जो ज्वार की ऊपर उठने की शक्ति होती है वो ज़्यादा होती है। रात के समय ही ज़्यादा ऊपर तक ज्वार उठता है, और नीचे गिरने को क्या कहते हैं? नीचे गिरने को भाटा कहते हैं, ऊपर उठने को ज्वार कहते हैं। तो अब आई होप आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी, ठीक है। अब चलिए, अब आपका ये लास्ट क्वेश्चन था, क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। आई होप आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो दोस्तों लाइक के बिना बिल्कुल मत जाना, और कमेंट करके बताना आपको क्लास कैसी लगी, चीज़ें समझ आई या नहीं आई, ठीक है। जैसा भी आपको लगी है आप ज़रूर बताइएगा, मेरे साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप चाहते हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी क्लास को शेयर कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे, करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो भी कोई बात नहीं है। सो और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस, आपसे फिर से मुलाकात होगी नई क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।